राम राम, नमस्कार सभी दोस्तों को। भाई ये देखे भाई, आज और एक हरियाणा की सुपरस्टार, सबसे ब्यूटीफुल गायें, मैं इस गौ माता को जरूर कहूँगा भाई। आज एक बार फिर रुद्रनाथ नंदी महाराज जी से प्रेग्नेंट होने के लिए आई है। लास्ट ईयर भी रुद्रनाथ से ही प्रेग्नेंट होके गई थी और एक बड़ी खूबसूरत बछड़ी को जन्म दिया था गौ माता ने, जो हमने कुरुक्षेत्र DFA कंपटीशन में दिखाई भी थी। कई भाइयों ने वीडियो भी बनाई थी इस गौ माता की और वीडियो की, वो बछिया की भी। बछिया का नामकरण हमने जुगनी कराया था भाई, और मात्र 3 दिन की थी कालू जब करा। हाँ, 3 दिन मेला में अपन सौदा करा उस दिन। बिल्कुल 3 दिन की थी। 3 दिन की या 4 दिन की थी जुगनी, उस टाइम हमने जुगनी को कालू भाई से रिक्वेस्ट करके लालो भाई, मतलब हमने खरीद लिया था भाई 71,000 रुपये की इसकी बेटी को और रुद्रनाथ की बेटी को खरीदा गया था। और आज जुगनी 11 तारीख को, कल 2 महीने की हो जाएगी, कल 11 फरवरी को 2023 को और 11 दिसंबर 2022 को जन्म हुआ था जुगनी का। और अंदर है जुगनी, जब गौ माता प्रेग्नेंट हो जाएगी, जब लास्ट में आपको जुगनी भी ज़रूर दिखाएंगे इसी वीडियो में। और सुंदरता और ब्रीड करेक्टर, ट्रू टू ब्रीड, रियल ब्रीड हरियाणा, हरियाणा के करेक्टर आप इस गौ माता से देख सकते हो भाई। आज इस गाय से और इस वीडियो से सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। जो भाई नू कहते हैं ना, बगैर ना भी होनी चाहिए हरियाणा ब्रीड, नहीं भाई गलत बात है। हल्का मुतान नंदी का है और हल्की लंबी ना भी, जो मैं हर बार बताता हूँ, जैसे सरस्वती को है, छन्नो को थी और झूमर को भी थी, कई जो दूध वाली अपनी गायें थी, लंबी ना भी, एक एक डेढ़ इंच की लंबी पट्टी थनों तक, वो होना चाहिए हरियाणा ब्रीड के अंदर। और गो माता की आप सुंदरता देखें भाई, और ब्यांत उठिए कड़ू, बताइए एक बार ब्यांत, यकीन तो हुए नहीं लोगों के, फिर भी बता। राम राम सारे भाइयों भाई, ये हैं भाई डॉक्टर कालू बगाना से भाई। तो अपनी गाय अब की बार भाई 10वीं बार बच्चा दिया हुआ है भाई, गाय ने इसकी बार 10वीं बार है, अब 11वीं बारी के लिए भाई प्रेग्नेंट होने जा रही है भाई आज। ठीक भाई, और कालू एक बार नू बता अपने, कितने नाम इस गाय ने उराना जमड़ा अगन, कितने नाम इस गौ माता ने धरती जितवाए हैं भाई? भाई 13 कंपटीशन जीत गए भाई, मिल्क किंग का तो मान लो अब की बार लगाई थी भाई, मात्र 8 दिन की ब्याई। हाँ, अब की बार DFA में अंदर, मेरे के अंदर 16 किलो 940 ग्राम दूध, 17 किलो ला ले तू, 17 होगा। हाँ, दूध हो गया और मात्र 8 दिन की ब्याई थी भाई, 8 दिन की ब्याई थी। और HLDB का कितना है? 19 का 19120 भाई, 19120 HLDB का है, तो 20 kg की गाय। और इस सुंदरता में और 13 बार होगी ना चैंपियन? हाँ, 13 बार ही भाई, 13 में से भाई 2 कंपटीशन ऐसे थे जिसमें एक बारी सेकेंडरी थी, एक बारी थर्ड ना, तो 11 के 11 में फर्स्ट है, फर्स्ट के कंपटीशन में भाई। हाँ, और शायद एक पहली गाय ऐसी है जो मिल्क ब्यूटी और मिल्किंग में भी थी, और मिल्क ब्यूटी का भी कंपटीशन फर्स्ट आई है, शायद पहली है अब तक हरियाणा ब्रीड की। हरियाणा ब्रीड की नहीं गोलू भाई जी, मुर्रा में भी ला लो चाहे किसी भी नस्ल में ला लो, आज ती ऐसा कारनामा होया को नहीं, मिल्किंग में भी फर्स्ट और भी। हाँ, जो मिल्किंग भी करवा रही हो और भी मिल्क ब्यूटी में भी लग रही हो, आज ती कोई सी माइस हुई है जो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोल भाई कड़ू, बाकी भाई मामन खुशी बहुत सब है। अच्छा एक और बताइए, देख बेशक आप गाँव बेचा, एक आदि तू भी बेच ले है, मैं भी बेचू हूँ, मतलब लोगों ने न्यू हो है भाई, रेट इतने ले हुए हैं, फलाने ले हुए हैं तो क्योंकि लाख की बेचे हैं या गाँ काड़ू तने भाई वो बताओ थे, रोड तो पकड़ी होड़ी बांधी थी ना उनने, बता एक बार। छोटी बात सी गम इंडिया कर दी भाई। हाँ भाई है बास गाँव में, बास बडाला। हाँ, मुंडाल तो 10 किलोमीटर। एक तो ये थी भाई, एक और थी ऐसी सेम गाय थी, मतलब सेम में गाय है, डिडो कॉपी उसकी। हाँ, उसका गेहूं रंगा है, इसका या व्हाइट थी। हाँ, ये दोनों छोटी छोटी बात अंडा कर दी, बताओ भाई। उसका 5-7 दिन है, उसका बेचारा रोज आ जाती, फिर उसने 5-7 दिन तो देखी बट 5-7 दिन पास दोनों है भाई, घर बांध लिया गलन। और देख भाई, और वो भाई पासला थन की कंडम है। हाँ, गा 3 थन चलू है शुरू के फर्स्ट ब्याह। हाँ, जो इसकी बाण है प्लस की गा है, ये फिलहाल मौका पे कोई भी भाई जाएगी बेरा पाड़ सके तो जाएगी बेरा पाड़ी। हाँ, इसके गिल्ला बंदी थी वह भी। हाँ,
तो देखो भाई रोड पर तो पकड़ी हुई गाय है और आज 13 बार तो चैंपियन होली। अरे भाई कालू जिंदगी भर बेचे नहीं ना भाई, 5 लाख का ऑफर तो भाई कालू को कुरुक्षेत्र DFA में मन ने दे दिया था भाई। 5 लाख का गाहक तो भाई मैं था कालू की गाँव का, पर कालू ने भाई साफ मना करा के भाई इस गौ माता को प्राण जब तक हैं जब तक ये अपने धोरे रहेगी प्राण भी यहीं देगी भाई। अपनी डायरी में मट्टी देवा के जी करा ले भाई अपने घर आंगन में जिस दिन प्राण देगी उस दिन भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया बात है भाई। इतनी सुंदर गायें है ही नहीं भाई, कोई बड़े हम पा जाएंगे कुछ भी पा जाएगा, पर इतनी जो ब्रीड करेक्टर में सुंदरता है ना वो भाई अल्टीमेट है गौ माता की। अरे एक बछड़ा भी तो है कालू इसका तरफ है, बछड़ा BH01 का है भाई, BH01 का पछले साल का जुगनी होने का पहले का लगभग ये मान के चलो भाई 15 साल का हो गया हुआ वो तो थोड़ा जब लंपी मा आ गया था बीमारी उसमें थोड़ा भाई ज्यादा कमजोर हो गया था एक बार कमजोर। हाँ हाँ बढ़िया तारीफ चल रही है। तो भाई एक दिन बछड़ा की भी वीडियो बनावांगे कालू वाला की, क्योंकि ऐसी गायों के बछड़े ही आगे जाके नस्ल संवर्धन करेंगे भाई। ये आप देख सकते हो और थोड़ी बहुत देर में प्रेग्नेंट हो जाएगी गौ माता। खुशी है भाई बछड़ी दी, अब की बार भी भाई दोबारा रुद्रनाथ क्रॉस जंद करवाना है, भी बच्चे अच्छे ले आओ भाई। देखो चलो बछड़ा दे बछड़ी दे तो परमात्मा है कि वो है बच्चा बहुत बढ़िया हो, दोनों का कॉम्बिनेशन है बहुत बढ़िया बच्चा है। लो भाई दोस्तों गौ माता प्रेग्नेंट हो चुकी है, डांडी कर दी है भाई गाय ने। हर बार अश्लीलता दिखानी जरूरी नहीं होती, कई भाई हैं कमेंट करेंगे भाई होती नहीं दिखाई भाई, हर बार जरूरी नहीं होती वो चीज़ दिखानी। डांडी कर दी है गौ माता ने। हाँ भाई बोले आजा आजा भाई आजा 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 आजा। हाँ भाई हाँ चल ले करो जुगनी ने और बार एक बार वो कुनवान कर ले मड़ा। अब आपको भाई इसी जोड़े का पिछले ब्यांत का जो रिजल्ट है बच्ची जुगनी पीछे तो हटाइए रमड़ी, ये देखें भाई जुगनी रुद्रनाथ और गंगा गौ माता की बेटी, 2 महीने की कल हो जाएगी, थोड़ी अगन कर कड़ू पाचन हो रही है बस। ये देखें भाई दोस्तों और नीचे से मैं आपको थन भी जरूर दिखाना चाहूंगा एक बार, नहीं आराम तो दिखाई दे पसंद तो दिखाई दे नाड़े दिखा दें। ये देखें भाई गद्दी भी ये हैं, 2 महीने के बछड़ी के थनों का गैप देखो कितने मोटे मजबूत थन, 1 इंच के थन है भाई देखो, और गद्दी देखें पसंद चल रहे बोले चल इसने देख लेने दिया आपकी। ये देखें भाई पीछे से गादी देखें बछड़ी की, सबसे मेन बात रुद्रनाथ के बच्चों की जो लेंथ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आती है भाई, लंबाई आप देख सकते हो 2 महीने के बच्चे की थोड़ी लंबाई नहीं होती इतनी, और कान माथे का पोल चेहरे की बनावट सेम डिटो अपने ऊपर बिल्कुल जैसे अपने गोरखनाथ का फेस था वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम देखो। और ये इसकी माता गंगा 13 बार चैंपियन, सात महीने की जब ये हो जाएगी उस टाइम अपने पास आ जाएगी भाई जुगनी। इसका नाम मैंने जिस दिन खरीदी थी उसी दिन कर दिया था जुगनी। ये देखें भाई मदर फादर और डॉटर,
जब तो चार तीन चार दिन की बच्ची थी ना, थोड़ा ठंड कम होगी, तैयार हो जाएगी। सर्दी बहुत है भाई, सर्दी बहुत है। तो भाई बेस्ट ऑफ लक कालू भाई ने भी अगले ब्यात के लिए, फिर अगला ब्यात तेरा बछड़ा दे बछड़ी ना दे, परमात्मा करे ना तेरा बछड़ा दे जबड़िया है, क्यों इसी गाय के बछड़े की जरूरत है कालू। जब इसी गांव बछड़े देंगी जब आगे जाकर नस्ल बनेगी। बच्ची तो सिर्फ एक देगी मान लो, हाँ घर का एक नस्ल सुधार होगा। हाँ और बछड़ा हजारों गाय की नस्ल सुधारेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे भैया दुआ भाई, अरे घर में गंगा हो ये के जी करा है भाई, मालिक करे पर लोग समझ दे तो को नहीं कालू भाई, वो लोग की समझने की सोच सब है बहुत बदल सकते। बल्कि उसकी ये बात और बता दूं तो डॉक्टर नरबीर जी कैसी लगी गंगा को माता क्वालिटी भाई और जुगनी ये भी भाई इसकी भाई पंचायती उनकी बछड़ी थी। हां मैंने कहा वाह क्रॉस करवाई थी तो वाह जारी है ना उस दो हजारी लटुआ पे। हां लटुआ बजारी मखंड गांव में, मखंड गांव में भाई। हां वो खीरी बिहारी है। हां ठीक है। हाँ। आज भी कोई भाई जाके देखता हो, हाँ बिल्कुल नॉर्मल चराई में ज्यादा केयर कोनी, कुया भी कांडा लेकिन आपकी गोदी बिक जो 13 किलो दूध कांडा कर लें जाएगी खीरी। ले भाई खीरी बछिया है और वाह मखंड गांव में लटुआ दो रहा है, मैं वाड़ गद्दी खेड़ी देखी थी अपन, वाह हाँ गद्दी खेड़ी ब्याह तारी थी जब वाह। अरे बेवाणी भी चौथा नंबर पाई थी। हाँ इसी गंगा गो माता की बेटी है और पंचायती नंदी की है और 13 किलो पहले ब्यात में ही उसका दूध है। और एक बछड़ी वह भी तो थी अपने खर की। हाँ जो खर की बस कुरकुड़े बेची थी इतना वाह। हाँ वो मेरे पे माले फर्स्ट टाइमर में अपने गुल्लू भाई 13 किलो दूध पे आएगी थी वह। हाँ उसके बाद में उसका नीचे बाछी थी, मैंने बाछी छल। हाँ बाछी छुकाई थी वो मेरे पे आई थी, फिर मेरे पर तो उल्टी ले गया था तो। हाँ हाँ भी माले 13-14 किलो दूध माले खरकी का बहुत हो भाई, दो दान थी वाह। हाँ वह दो दान थी उसने तोड़े थे ये बड़ी वाह। तो मतलब कहने की बात यार, दो तो अपना गाय ली इसकी बछड़ी जो भाई 12-13-14 खरकी दे हुए दो आई है कई। हाँ तीसरी तेर दो बैस तो मेन रिजल्ट है यू। अब इसकी बछड़ी कितना दूध दे है, पहले बछड़े थे वो फिर भाई वो टपाई दिन दूसरा छोड़ी अंदर उड़ा पास है। तो भाई ये देखें बताना भाई कैसी लगी तो रे कड़ नून करिए गो माता ने फड़ी नून। तो भाई कैसी लगी सारे भाई कमेंट करके जरूर बताना।